पढ़ लिया पर एनसीईआरटी पढ़नी नहीं सीखी, जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है उसको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस चीज पे फोकस करना है, कैसे एमसीक्यूज बनाने, अगर यही नहीं आता तो नीट में नंबर नहीं आएंगे। सिर्फ 8 से 10 मिनट का वीडियो है और ये वीडियो आपकी लाइफ बदल के रख सकता है। एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज एंड में एक ऐसी किताब का खुलासा करूंगी जिसमें से डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बने हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगले 7 से 8 मिनट में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप एनसीईआरटी पढ़ते समय गलतियां कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका नीट 2024 चौपट और 25 चौपट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा जिस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए तो भाई नंबर नहीं आएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी को कम से कम जो टॉपर्स होते हैं वो 15 से 20 बार पढ़ते हैं। यस यू गॉट मी राइट। कहने की बात होती है एनसीईआरटी की 3-4 रीडिंग्स लगा लो। एनसीईआरटी की जब तक 15 से 20 रीडिंग नहीं निकलेगी ये इतनी हैरत अंगेज किताब है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। आप 21, 22 और 23 का पेपर उठाकर देखिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस है ना इधर से ना उधर से। मैं तो ये भी कह रही हूं कि अगर आपने कोई पीवाईक्यू किताब भी सॉल्व नहीं की बट आपको अगर एनसीईआरटी आपके दिमाग पे छपी हुई है, इम्प्रिंट हुई है, यू कैन स्कोर वेल। एंड द ओनली वे यू कैन इम्प्रिंट द एनसीईआरटी इज बाय स्टार्टिंग अर्ली। यू एटलीस्ट रिक्वायर 15 to 20 रीडिंग्स ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट बायो, एटलीस्ट 10 to 12 रीडिंग्स ऑफ फिजिक्स बिकॉज पॉइंट्स टू पॉन्डर, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के ग्राफ्स जो फिजिक्स में बने उनके नीचे की लाइनें डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आती हैं। सो अभी से तैयारी कीजिए। अगर सोचोगे नवंबर दिसंबर में फाइनली मॉड्यूल शॉड्यूल खत्म करके एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नहीं होगा। सो बिगिन योर प्रेपरेशन अर्ली, रीड इन टाइम सो दैट यू हैव इनफ टाइम नॉट ओनली टू कवर बट टू डू एटलीस्ट 10 to 12 रीडिंग्स बिकॉज टॉपर करने वाला है 15 से 20 रीडिंग। आप बहुत बार भटक जाते हो, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने लग जाते हो, नॉन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने लग जाते हो। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या है, वेटेज अपने सामने खोल लीजिए। वेटेज पे मैंने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लिया, उठाइए वेटेज, खोलिए अपने सामने, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेटेज के हिसाब से खोलिए। एनसीईआरटी का एक बहुत स्पेसिफिक सिलेबस है, आई कैन गारंटी एंड टेल यू दिस, एनसीईआरटी में जितना लिखा है उससे एक वर्ड बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक अल्फाबेट बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके वेटेज के टॉपिक्स हैं अगर आपने पूरी एक लाइन से एनसीईआरटी नहीं करनी, पहले हाई वेटेज टॉपिक्स करने, जहां जहां पर हाई वेटेज टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी से आता है पूरा लाइन से आप एक तरफ से एनसीईआरटी उठाओ, सारे टॉपिक्स खत्म करते चलो। ओनली थिंग आपकी बाइबल एनसीईआरटी, आपकी कुरान एनसीईआरटी, आपकी गीता, आपकी यू नो सारी किताबें एनसीईआरटी, आप सोचो यार बस ये है इसको मैंने फॉलो करना है, खत्म। नीट का सिलेबस ऑफिशियल देखिए, जैसे मैंने बोला वेटेज के हिसाब से बस, और फिर एक सिरे से एनसीईआरटी उठाओ, एंड तक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करते चलो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप लोग बहुत बड़ा ब्लंडर करते हो, वो है एनसीईआरटी को लेके बैठ जाते हो और पढ़ते रहते हो। दैट इज द रॉन्ग वे टू स्टडी। एनसीईआरटी पढ़नी है एक्टिव रिकॉल करके, एनसीईआरटी पढ़नी है बहुत थरली। दैट मींस एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि यार हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हमने एनसीईआरटी को पढ़ा एक बार, दो बार, तीन बार, उसमें अंडरलाइन किया, एनसीईआरटी के ऊपर येलो पेजेस चिपकाए, उसके शॉर्ट फॉर्म्स जो है, उसके निमोनिक्स जो है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको शॉर्ट येलो पेजेस पे चिपकाए, एनसीईआरटी बंद की और एक्टिव रिकॉल किया, याद किया अच्छा यहां पे ये लिखा था। एनसीईआरटी आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रिंट हो जानी चाहिए, छप जानी चाहिए, तभी तो फायदा है 15-20 बार एनसीईआरटी पढ़ने का। तो जितनी ज्यादा बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उसको बंद करो और एग्जैक्टली पेज नंबर, अच्छा यहाँ डायग्राम है, यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा है, डायग्राम के नीचे ये लेबलिंग की है, फिर बंद करो, फिर याद करो एक एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का, एक एक थ्योरी जो समझाया गया है एनसीईआरटी में, उनके छोटे नोट्स बनाइए, येलो पेजेस पे चिपकाइए, हाईलाइट कीजिए, एनसीईआरटी के उल्टा आप क्वेश्चंस बनाइए, जहां पर एनसीईआरटी में बोल्ड लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, एनसीईआरटी को बंद कीजिए, एनसीईआरटी को बंद करके खुद एक्टिव रिकॉल कीजिए। दैट इज द वे टू रीड एनसीईआरटी। नॉट कि अच्छा पढ़ लिया ठीक है, पढ़ते गए अंडरलाइन करते गए, नहीं, आपको अंडरलाइन भी कितनी बार करोगे यार, एनसीईआरटी रंगीन हो जाएगी, लाल पीली हो जाएगी, उसके नोट्स बनाइए, येलो पेजेस में बनाइए, एक्टिव रिकॉल कीजिए। एनसीईआरटी का एक एक टेबल स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम, स्पेशली बायो में, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट टू पॉन्डर, स्पेशली फिजिक्स में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में एनसीईआरटी के सॉलिड एग्जांपल्स, एनसीईआरटी की समरी बायो में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जितने साइंटिस्ट के नाम लिखे, जितनी किताबों के नाम लिखे, जितनी डेट्स लिखी हैं, जितने टेबल्स बनाए, उनसे मैच द फॉलोइंग आएंगे। जो आपका एल्गी वाला टेबल है उसमें से कम 1000 क्वेश्चन आ चुके हैं। एनसीईआरटी में वेल लेबल डायग्राम्स है, एनसीईआरटी के जो टेबल्स है, जो ग्राफ्स है, जो ट्रेंड्स हैं केमिस्ट्री के, बहुत क्रूशियल हैं। आप उनको अवॉइड कर दोगे, थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, कई बार एनसीईआरटी के लेबलिंग नहीं देखोगे डायग्राम के नीचे, और फिर नैया पार हो जाएगी, रियलाइज नहीं करोगे ये एनसीईआरटी के वो हिडन सोर्सेज हैं जहां से एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाएगा, और यही से सारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सो प्लीज डोंट अवॉइड। After reading each chapter, practice करने के लिए वो किताब जो है वो तो मैं बताने वाली हूँ, but एक बार आपने chapter कर लिया, आप NCERT को बंद कीजिए, paragraph को अपने मन में याद करिए और खुद question बनाइए। End के जो questions हैं वो आपको physics और chemistry में बहुत काम आएंगे। In fact, 55-62% questions physics और chemistry के numericals are directly coming from NCERT solved examples और NCERT की ही back exercises। ट्रेंड चेंज हो चुका है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हीं बैक एक्सरसाइजेस की करनी है। बट सबसे बड़ी बात, जो आपके assertion reason है, वो if और but type की जो statements है, NCERT के वहां से आएंगे। जो NCERT ने आपसे questions पूछे गए हैं उन पे NCERT questions बना कर देगी, और आप NCERT के concepts पे खुद question बना के practice करो। yellow pages लगा लो, yellow pages पे summary लिखना शुरू करो, एक pink color का है, blue color का page ले लो, और एक एक पेज पे, दो दो पेज पे एक पेज चिपका दो, और वहां से खुद questions बनाओ। जब आपको थ्योरी रिवाइज करनी है तो जो आपने ये येलो पेज और ब्लू पेज एनसीईआरटी पे चिपकाए हैं, येलो पे आपने उस पेज की समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, ब्लू पे उस पेज पे आपने खुद क्या क्वेश्चंस बनाए हैं वो लिखे हैं, तो एनसीईआरटी को पूरा अंडरलाइन मत करो, रिवाइज करना मुश्किल होगा। अगर आपने एनसीईआरटी को 8 से 10 बार कर लिया है, अब जो रिविजन करोगे वो इन येलो और ब्लू पेजेस का करो, ताकि आप क्विकली कर सको, रिटेन लॉन्ग टाइम के लिए कर सको, कम टाइम में ज्यादा पेजेस ऑफ एनसीईआरटी सॉल्व कर सको। दिस इज वेरी क्रिटिकल। मुझे पता है 7:30 मिनट हो चुके हैं, और मैंने आपको बोला था कि आखिरी मिनट में मैं आपको कुछ बहुत अमेजिंग बताऊंगी। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट कई बार इतनी बार पढ़कर हम क्वेश्चन को अनदेखा कर लेते हैं। कई बार हमें कुछ चीजों में थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा चाहिए होती है। कई बार कई चीजों पर अगर कोई टीचर हमें assertion reason बना के दे दे, MCQ बना कर दे दे, तो हम उसको बहुत इजीली ग्रैस्प कर लेते हैं, और अगर वो अलाइंड हो NCERT से तो बहुत ही अच्छा है। अगर मैंने NCERT का कोई कॉन्सेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, मैं जब उसके MCQ सॉल्व कर लूंगा तो वो चीज मुझे डबल स्पीड से समझ आएगी। आप सबसे पहले हमारे NCERT के सेशंस देखिए, मैंने एक एक टॉपिक पे डिटेल में NCERT के सेशंस दिए, जहां मैंने NCERT को समझाया हुआ है, MCQ मार्क किया हुआ है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वाणी मैम NCERT सीरीज करिए, एक एक डायग्राम मैंने समझाया हुआ है, ये कीजिए। और उसके बाद NCERT पे क्विजेस बनाए हुए हैं मैंने, NCERT के लाइन के क्वेश्चन बनाकर पोल लिए हुए हैं। उसके बाद ये किताब ले लीजिए, ये किताब मैंने MTG के लिए लिखी है, और एक ही साल में इसके रीप्रिंट आ चुके हैं। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दिस बुक इज, यार इसमें मैंने NCERT के लाइव क्वेश्चंस बनाए और NCERT का पेज नंबर डाल दिया है, कि इस पेज नंबर ऑफ NCERT से क्वेश्चंस आए हैं। इस किताब में PYQs भी हैं। PYQs को आप एज टेस्ट दीजिए। अगर आपने मेरी किताब के NCERT और जो मैंने क्वेश्चंस बनाए वो सॉल्व किए, और NCERT को आपने 5 या 6 बार पढ़ा है, अब देखो यार आपका स्कोर कितना इंप्रूव हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कहां पे हो, कौन सी जगह पर हो, किस लेवल पे खड़े हो। और पूरा PYQs जो मेरी बुक में भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक बुक ऐसे ले लो, उसको आप एज टेस्ट दो, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक अगर आपका वीक रह गया, और दोबारा जाकर अगर आप उसकी थ्योरी कर सकते हो। बट जैसे मैंने लेक्चर लिया, अगर इन पॉइंट्स पे तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा, तुम्हें कोई पीछे नहीं कर सकता, राइट। बायो पे पूरा तरह से एनसीईआरटी बायो पे डिपेंड हो जाओ 110%, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स पे एनसीईआरटी जरूर इंपॉर्टेंट है,
अगर आपको कई बार कॉन्सेप्ट थोड़ा डेप्थ में समझना है, कई बार यू नो क्या होता है कि छोटा लिखा है तो समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर कई बार क्या होता है कि यार और थोड़ा डेप्थ में करेंगे तो समझ में आएगा, तो आप रेफरेंस बुक्स लगा सकते हो। इनके न्यूमेरिकल्स आप जरूर मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी प्लीज एनसीईआरटी को अवॉइड मत करो, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। तो ये करिए एंड आई एम 100% श्योर एक बार आपने कर लिया आप बोलोगे थैंक यू मैम फॉर दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हमारी जिंदगी बदल दी, हमें रायगा दी। तो ये तीन किताबें आपकी हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, इनको छोड़कर आपने कुछ भी नहीं करना, राइट? एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद किसी टीचर के वीडियोस देखिए, जो छोटा मोटा एनसीईआरटी में समझ में नहीं आया वीडियोस देख के समझ आ जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और फाइनली सारी नॉलेज को एग्रीगेट करके छोटे से नोट्स बना लीजिए जहां से आप रिवाइज करेंगे, राइट? रीड एनसीईआरटी, अदरवाइज यू विल लूज द बैटल बेटा, इट इज द बाइबल, इसके अलावा और कोई किताब करने की जरूरत नहीं है, राइट? ये याद रखो यार, इमीडिएट अगर सक्सेस ना भी मिला इवेंचुअली मिलेगा अगर अपना प्रोसेस ठीक करोगे। तो सिर्फ अपनी पढ़ाई का प्रोसेस कर दो, ठीक आ जाओ, कोई प्रॉब्लम है, हम यहाँ पर लाइव सेशंस लेते हैं, कंटेंट देते हैं, हैंडमेड नोट्स देते हैं, डीपीपीज देते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, बायोटॉनिक पीसीबी, फटाफट से हमारी क्लासेस में आ जाइए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए, दिन में चार चार पांच पांच छह छह वीडियो देकर हम फ्री में आपके पीछे लगे हुए हैं, एंड वी विल मेक श्योर कि आप डॉक्टर बनो। सो प्लीज हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाओ, और बच्चों प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब, वी नीड योर सपोर्ट एज मच एज यू नीड आवर सपोर्ट। Take care. God bless you. Bye.